एक ऐसी औषधि जिसको हमारे पूर्वजों ने खाया है, उनके पूर्वजों ने खाया है और बहुत पहले से ही इसको खाया जा रहा है। और आज सिर्फ लोग ये समझते हैं बहुत सारे कि इसकी वजह से जो सेक्सुअल हेल्थ है वही ठीक होती है पुरुषों की, तो ये सही नहीं है। बात सही ये है कि आपकी ओवरऑल हेल्थ तो ठीक होती ही है, आपकी सेक्सुअल हेल्थ भी अच्छी होती है, मतलब तो आपके ओवरऑल बॉडी के लिए भी बहुत सारे फायदे हैं। तो आज का जो वीडियो है मेनली वो होगा शिलाजीत के ऊपर, ठीक है, कि इसको कौन खा सकता है, कौन नहीं खा सकता, मतलब महिलाएं खा सकती हैं कि नहीं खा सकती, कब नहीं खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, इसको खाने से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या अच्छे इसके इफेक्ट हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका आंसर दूंगी मैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी में। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जिनको हम डिस्कस करेंगे कि पहली बात तो ये कि ये बनती कहाँ पे है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल नेचुरल फॉर्म होती है शिलाजीत, अगर ये प्योर है तो इसकी रेजिन फॉर्म जो है वो नेचुरल होती है। बनती कहाँ है, तो हिमालय जो कि जिसकी चोटियाँ हैं वहाँ पे, मतलब ये बहुत ही ऊंचाई पे मिलती है एक तरीके से, हिमालय की चोटियों में ये पाई जाती है। बनती कैसे है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनके दब जाने से एक तरीके से वो डिकम्पोज हो जाते हैं, चट्टानों के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो वहाँ से बहुत ही मुश्किल से ये निकाली जाती है, ठीक है, वहाँ से ये बनके आती है। तो जो प्योर फॉर्म है उसको आप पहचानेंगे कैसे, ये भी हम बताएंगे, ओके। तो सबसे पहला इसका फायदे क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके फायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, आपका जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छा करता है, आपके सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले उसी की बात कर लेते हैं। तो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो अगर टाइमिंग कम है तो उसको भी बढ़ाती है, ब्लड का फ्लो अच्छा करती है, अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो उसको भी ये बढ़ाती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके अंदर डिजायर खत्म होती चली जा रही है तो आपकी डिजायर को भी इम्प्रूव करती है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है। और आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, आपकी इम्यूनिटी इससे बढ़ती है, अगर आपके अंदर खून की कमी है तो बढ़ती है। इम्यूनिटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि इसके अंदर होती है एंटीऑक्सीडेंट्स। आपकी एजिंग, अगर आपकी एज ज़्यादा दिखती है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो आपकी एज की जो प्रक्रिया है उसको स्लो डाउन करते हैं, तो ये भी इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर खून की कमी है तो इसके अंदर आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिससे कि आपकी खून की कमी को भी ये क्या करता है, अच्छा करता है, मतलब खून की कमी आपके अंदर नहीं आती है अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, ओके। बहुत बार आप लोग मुझसे पूछते हैं कि किस तरीके के शिलाजीत को यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि ये प्योर है या फिर नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ मैन मेटर्स का ये प्योर हिमालयन शिलाजीत जो कि है रेजिन फॉर्म में है। तो देखिए, ये मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत तरीके से शिलाजीत आते हैं, जैसे कि कैप्सूल की फॉर्म में आते हैं, गमीज की फॉर्म में आते हैं और रेजिन की फॉर्म में आते हैं। तो जो प्योरेस्ट जो फॉर्म होती है वो रेजिन फॉर्म ही होती है और ये बिल्कुल प्योर शिलाजीत है, जो कि ये समझिए कि जो हिमालय की जो ऊंची चोटियां होती हैं वहां से ये एकत्रित किया जाता है। तो क्यों यूज करना है आपको शिलाजीत, तो देखिए आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी चीज कि अगर आपको आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए चाहिए तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप टाइम कम लेते हैं, आपका सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो गई है, या फिर आपको प्रॉपर तरीके से तनाव ना आने की समस्या है, मतलब ईडी की समस्या हो गई है, या फिर आपको इच्छा ही नहीं होती है, आपका मूड ही नहीं बनता है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि देखिए आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्टअप करेगी, जो कि नेचुरली आपके अंदर एक इच्छा को जागृत करता है, ठीक है, आपके मसल मास को बढ़ाता है, तो बहुत अच्छा है। और दूसरा इसके अंदर क्या है, फुलविक एसिड है। फुलविक एसिड होने का मतलब क्या है, कि 75% से ज्यादा इसमें फुलविक एसिड है, तो उसका मतलब क्या है कि अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी क्या है इन्फ्लामेशन है तो उसको खत्म करेगा ये। दूसरा क्या है कि इम्यूनिटी को बूस्टअप करने का काम करता है। तो अब बात आती है इसको लेना कैसे है, तो लेने के लिए आपको क्या करना है, इसमें से एक मटर के दाने के जितना लेना है, जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं, इसके साथ एक छोटा सा स्पैचुला आता है, उससे आप इसको लेंगे और एक गर्म पानी में या फिर गर्म दूध में एक ग्लास में आप इसको घोलेंगे, और जब तक घोलते रहेंगे तब तक कि पूरी तरीके से ये डिजोल्व ना हो जाए। और सबसे अच्छी बात ये होती है इस रेजिन फॉर्म की, कि ये प्योरेस्ट फॉर्म है तो ये पूरी तरीके से घुल जाएगी और फिर आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, दिन में एक बार लेना है। बेस्ट रिजल्ट्स चाहते हैं तो 2 से 3 महीने तक आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, आपके बालों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छे से बढ़ाना चाहते हैं, टाइमिंग को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं ये स्प्रे, मैन मेटर्स की एंजोर स्प्रे है, जो कि आप इसके साथ ये भी ले सकते हैं। तो सभी की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप जाके चेक कीजिए। और महिलाओं के लिए किस तरीके से उपयोगी है उसके बारे में बात करते हैं, तो इसको सिर्फ और सिर्फ पुरुष खाए ये जरूरी नहीं है, महिलाएं भी खा सकती हैं, क्योंकि ये महिलाओं के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये मसल स्ट्रेंथ को मेल और फीमेल दोनों में ही बढ़ाता है। महिलाओं के अंदर जो यूट्रस होता है, कभी कभी उसके जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ही कमजोर हो जाती हैं, ठीक है, उसके आसपास की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, वो लटकने लग जाता है, तो उसकी वजह से उनको वो कभी कभी वो यूट्रस निकलवाना पड़ जाता है। लेकिन अगर आप ये खाते हैं, यूज करते हैं, तो आपकी जो यूट्रस है
उसकी मसल्स भी स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। तो आपकी जो कंसीव करने की जो ताकत है, किसी का बोला जाता है कि इसकी बच्चेदानी कमजोर है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मसल्स को स्ट्रांग बनाने का काम करता है। तो मेल और फीमेल दोनों में ही ये काम करता है, आपके भी डिजायर बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। तो आपके अंदर भी एक हेल्दी तरीके से ही ये इंप्रूवमेंट लेके आता है। तो मेल और फीमेल दोनों ही इसको खा सकते हैं। कितना खाना चाहिए, तो देखिए इसकी तासीर होती है गर्म, ठीक है। अगर कोई फीमेल या फीमेल जब खाता है तो शुरुआत में इसको एक टाइम खाएं, ठीक है, एक टाइम खाएं, वो भी सिर्फ जो चने का दाना होता है उतनी खाइएगा, ठीक है। कैसे खाएं, तो या तो आप दूध में मिला के खाते हैं, हल्का गर्म दूध, ठंडा नहीं, हल्का गर्म हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना, नॉर्मल जो थोड़ा गर्म रहता है उसमें मिलाइए और आप उसको ले सकते हैं। इसका टेस्ट कैसा होता है, तो ये कड़वा होता है, ठीक है, इसका टेस्ट कड़वा। गंध कैसी होती है, तो इसकी गंध होती है जैसे कि जब डामर आपने उसकी स्मेल देखी होगी, उसकी जैसी होती है, पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है, उसकी जैसे इसकी कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं जैसे कि गोमूत्र होता है उसकी जैसे स्मेल होती है, तो इसकी पंजेंट स्मेल है, क्योंकि देखिए ये जो भी ऑर्गेनिज्म जो दब जाते हैं, उनका डिकम्पोज हो जाता है, उसके बाद ये बनता है, जिसकी वजह से इसकी स्मेल भी ऐसी होती है, ठीक है। और ये इसकी प्योर फॉर्म है, इसका टेस्ट कड़वा है, ये भी इसकी प्योर प्योरिटी की निशानी है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये कितनी बार खाना चाहिए, तो ये 2 या 3 बार खाना चाहिए, ठीक है, 2 या 3 बार। अगर गर्मी का टाइम है तो 2 बार लीजिए, या फिर आप 1 बार लीजिए। अगर सर्दी का टाइम है तो 2 टाइम भी ले सकते हैं, 3 टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही छोटा चने के दाने की जितना खाना चाहिए। गर्मियों में आप उसका अमाउंट चने के दाने से भी और छोटा कर दीजिए, मतलब उसका हाफ कर दीजिए, बस इतना आपको लेना है, और घोल के दूध में या फिर गर्म पानी में आप ले सकते हैं, लेकिन दूध सबसे बेटर है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम है तो आपको नहीं खाना है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं कोई फीमेल तो आपको नहीं खाना है, प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं खाना है। और सिकल सेल एनीमिया की दिक्कत है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि जो ब्लड के अंदर हमारी आरबीसीज होती हैं, मतलब जो रक्त कणिकाएं होती है रेड वाली, तो क्या है अगर उनकी शेप खराब हो रखी है, वो एक स्पेशल तरीके की बीमारी जिसको मैं बोल रही हूँ सिकल सेल। सिकल का मतलब है इस तरीके से वो जो कोशिकाएं हैं वो मुड़ जाती है। वो कैसी रहती हैं, मोस्टली कुछ इस तरीके की आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो, इस तरीके की होती है, ठीक है। ऐसी ना हो कि उनकी शेप बिगड़ गई है, तो एक प्रॉब्लम हो गई है, उस केस में आप नहीं खाएंगे अपने आप, ठीक है, वो आपको नहीं खाना। अगर आपके ब्लड के अंदर आयरन की कमी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो भी आपको नहीं खाना है, क्योंकि इसमें भी आयरन ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसको हम एक टर्म देते हैं साइंस की भाषा में, कहा जाता है हेमोक्रोमेटोसिस। तो उस टाइम में भी आपको ये नहीं खाना है। अगर आपको थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है तो भी नहीं खाना है, इन लोगों को ये बिल्कुल नहीं खाना है। अगर किसी को इसके खाने की वजह से, अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा रहे हैं और बहुत लंबे समय तक अगर आप खा रहे हैं तो भी आपको दिक्कत आ जाती है कभी कभी, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको दिक्कत हो रही है, शुरुआत में आप एक ही टाइम खाइए, अगर फिर आपको धीरे धीरे लगता है कि आप खा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको स्टॉप कर दीजिए। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है, ठीक है, ऐसा कमजोरी महसूस हो रही है, पसीने आ रहे हैं, धड़कनें बढ़ रही हैं, तो आप बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए वो सूटेबल नहीं है। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी जाँच कैसे करें कि शुद्ध है, बिल्कुल प्योर है या फिर नहीं है। तो उसकी जाँच करने के लिए आप जब जो प्योर होती है वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाती है, थोड़ा सा टाइम लेती है लेकिन पूरी तरीके से वो डिजोल्व हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जो थोड़ा बहुत उसके टुकड़े रह जाते हैं, अगर आप घोलते हैं गर्म पानी में या फिर दूध में तो पूरी तरीके से वो घुल जाती है। इम्प्योरिटीज़ अगर होंगी उसके अंदर तो वो पूरी तरीके से नहीं घुलेगी, ठीक है, ये पहली पहचान है। दूसरी पहचान क्या है कि इसका जो टेस्ट है वो कड़वा होता है। तीसरी पहचान, इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही पंजेंट सी स्मेल होती है, जो कि बहुत अच्छी नहीं लगती है। और चौथा क्या है कि जब आप इसको जलाते हैं, जैसे कोई कोल आपने ले लिया उसके ऊपर आप रखते हैं अगर इसको, तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, मेल्ट होगी लेकिन इसमें से धुआं नहीं निकलेगा। ये इसकी बहुत ही एक प्योरिटी की निशानी है। अगर ये सारे के सारे गुण इसके अंदर हैं तो ये जो आप शिलाजीत खा रहे हैं ये प्योर है, आप खा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि क्या आप डायबिटीज़ में इसको खा सकते हैं, तो बिल्कुल खा सकते हैं, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप कोई दवाइयाँ खा रहे हैं तो बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के आप नहीं लेंगे, हो सकता है कि आपको सूट ना करे, ठीक है। तो डायबिटीज़ में ये अच्छा होता है, लेकिन एक बार डॉक्टर से कंसल्ट आप जरूर कर लीजिए कि आप ये खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते, क्योंकि हो सकता है आप कोई और भी दवाइयाँ खा रहे हों। ओके, तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और इसका इंपॉर्टेंस जान लीजिए कि अगर आपकी मेमोरी शार्प करनी है, आपको फोकस बढ़ाना है, तो भी ये खाए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर होता है फॉलिक एसिड जो कि आपकी मेमोरी को शार्प करने का कोशिश करता है, और आपकी जो एक फोकस है वो एक जगह आप कर पाते हैं अपनी माइंड को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। अगर आपको नींद नहीं आती है तो भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इसकी वजह से नींद का लेवल बढ़ेगा, गुड स्लीप आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इसमें होता है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की शक्ति। जब आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो आपको नींद भी अच्छी आती है, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है और आप फ्री फील करते हैं।
हैं, गुड स्लीप आप लेते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कितने दिनों तक इसको खाना चाहिए कि आपको रिजल्ट दिखाई देने लगे। तो आप खा सकते हैं इसको 90 डेज तक खा सकते हैं, मतलब 60 से 90 डेज तक एटलीस्ट आप खाइए तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी को सूट नहीं कर रहा है तो वो पहले ही बंद कर दे, क्योंकि जो मैंने बताया क्या क्या अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो ना खाए। लेकिन इतने दिनों में आपको पता चलने लगेगा कि आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है या नहीं है, आपकी बॉडी में इंप्रूवमेंट है या नहीं है, आपको थकान कम हुई या नहीं हुई, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को। लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लेते हैं, मतलब इसका ज़्यादा अमाउंट ले लेते हैं, तो इसका साइड इफेक्ट ये भी है कि आपकी जो बॉडी है उसमें यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। यूरिक एसिड वैसे हमारी बॉडी से निकाल दिया जाता है, किडनी उसको फिल्टर करके निकाल देती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तो आपकी जो यूरिक एसिड है उसकी मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ेगी, जो कि आपके लिए खतरनाक हो सकती है, ठीक है। तो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ही ले, सही अमाउंट। आई होप आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिले होंगे। अगर फिर भी आपके लिए कोई भी डाउट है तो मुझे लिख दीजिएगा, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगी या फिर उसके ऊपर अलग से कोई वीडियो बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।